नमस्कार, मैं पंडित अनुराग गुरु जी। यदि आप पितृ दोष नारायण नागबली के लिए त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें कि नारायण नागबली की पूजा में कितना खर्चा आता है, पितृ दोष पूजा में खर्चा कितना आता है और इसमें नियम क्या क्या पालन करना पड़ता है। यदि हमारे कुंडली में पितृ दोष है तो कैसे जाने कि हमारे कुंडली में जीवन में पितृ दोष है। सबसे प्रथम में आज हम बताएंगे पितृ दोष नारायण नागबली का लक्षण। लक्षण क्या होते हैं? सबसे प्रथम में घर में कलेश बनना, विवाह में दिक्कत बनना, संतान की प्राप्ति ना होना, कोई भी कार्य करते हैं उसमें यश की प्राप्ति ना होना, ये सारी चीजें जो होती है पितृ दोष के कारण होती है। तो यदि आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं तो नीचे नंबर दिया गया है पंडित अनुराग गुरु जी का, वहां से जाकर के संपर्क कर सकते हैं, पूजन का मुहूर्त मंगवा सकते हैं। उसके बाद में पूजा किन नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें आते समय जो है तीन वस्तुएं लानी है। सबसे प्रथम में अपने पूर्वजों का नाम, आपके परिवार में जो गुजर गए हैं एक पेपर में सबका नाम और गोत्र लिख करके लाना है। उसके बाद में जिस भी व्यक्ति के कुंडली में दोष बताया है पितृ दोष, उनकी जन्म कुंडली लानी है और पूजन में बैठने के लिए वस्त्र लगता है, नया कोरा वस्त्र लेकर के आना है। यदि लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में मिल जाता है। और जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया गया है पंडित अनुराग गुरु जी का, वहां से जाकर के संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जी।